ये मैंने गुड वाइब्स का यूज़ किया है टोनर। मेकअप स्टार्ट करने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना स्किन केयर प्रॉपर वे में करिए। फिर मैंने अप्लाई किया हुआ है मॉइस्चराइज़र। मैंने यहाँ पे लिप बाम यूज़ किया है। लिप्स को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ किया है क्योंकि बेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है मेकअप लंबे समय तक टिकने के लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप बेस कैसे अच्छे से कर रहे मेकअप में वो। ये मैंने स्विस ब्यूटी का कलर करेक्टर यूज़ किया है। जहाँ जहाँ पे मेरे डार्क एरियाज हैं उधर, ताकि वो अच्छे से हाइड हो जाए। मैंने अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है। अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है मेकअप, अच्छा होगा ही नहीं। फिर मैंने लिया है फिटमी का फाउंडेशन। इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई कर लेना है क्योंकि फेस पे तो मेकअप हो जाता है बट नेक पे रह जाता है, तो वो फिर दिख जाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, क्योंकि टोन मैच नहीं होता है। मैं करूँगी इसे अच्छे से ब्लेंड। फिर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है स्विस ब्यूटी का। जहाँ जहाँ पे हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं इसे अच्छे से लगाऊंगी। ब्लेंड करना है। ये मैंने NYB का कॉन्टोर यूज़ किया है ताकि फेस मेरा थोड़ा सा शार्प लगे। मैंने पॉप एंड ग्लो का ब्लश अप्लाई किया हुआ है। फिर मैं लूज पाउडर पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। नेक पे भी अप्लाई करना है। ये मैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ आईब्रो फिल करने के लिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है आप आईब्रो फिल करें, क्योंकि पूरे फेस को वही हाईलाइट करता है। सबसे पहले नज़र अगर पड़ती भी है तो वो आईब्रो पे पड़ती है। ये है आइकॉनिक का लिक्विड हाइलाइटर, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है। इसे अच्छे से ब्लेंड करना है फिंगर टिप से या ब्रश से, जैसे करना चाहे आप वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिंगर टिप से कर ले रही हूँ। अभी मेरा बेस पूरे तरह से रेडी हो चुका है, तो मैं अप्लाई करूँगी मेकअप फिक्सर। ताकि जो मेरा मेकअप है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे। मैं पहले लाइट कलर अप्लाई करूँगी, क्योंकि क्रीज लाइन जो बनता है वो लाइट कलर से ही क्रिएट होता है, क्योंकि मुझे डार्क कलर का आई शेडो। मैं आईज़ के कॉर्नर पे लाइट ब्लू आई शेडो अप्लाई करूँगी। और स्टार्टिंग में भी लाइट कलर ही अप्लाई करना है। अब मुझे बीच पे ग्लिटर अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी सेंटर में। अब मैं ये ग्लिटर सेंटर पे अप्लाई कर रही हूँ।
मैं ब्लू कलर का आई शेडो लेकर के वाटर लाइन के नीचे अप्लाई करूँगी। अब मैं मेबलिन का आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। ब्यूटी का मस्कारा अप्लाई किया है। मैं ब्राउन कलर का लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैंने ब्राउन कलर का लिपस्टिक अप्लाई किया है। ये है मेरा फाइनल लुक।